क्या हो क्या सर, हमारी सबसे प्रथम नाराजगी ये है कि जब बिहार सरकार जानती है कि इतने बच्चे 17 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं और मात्र 11,000 पोस्ट है और सिर्फ दो दिन एग्जाम हो रही है, या तो 12 या 20 को, तो इसके लिए उचित प्रबंध नहीं किया गया। हमारे आप देख सकते हैं सर कि हमारे इतने साथी यहाँ पे खड़े थे और कई हजार साथी चले गए। हमारी नाराजगी बस इतनी है कि हमें होम सेंटर क्यों नहीं दिया गया। जैसे पिछली बार जो ये बिहार पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें होम सेंटर था, क्यों नहीं उसी धार पे अभी जो हम इतना सर, हम 400-400 किलोमीटर दूर हमारा घर है और हम यहाँ बेतिया, बेगूसराय, बरौनी, अररिया, फलान ढिकान यहाँ घूम रहा है क्या? हमारे समय की कोई अहमियत नहीं है। अभी क्या दिक्कत हुई स्टेशन पे? अभी कुछ परेशानी हुई स्टेशन से, ये परेशानी हुई कि हमारी गाड़ी समय पर नहीं आई और सेकंड इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। लोकल ट्रेन, DMU, EMU की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे आप लोग को इंतजार करना पड़ा? मैं लगभग यहाँ 3 घंटे से, हम लोग 3 घंटे से सर। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार हुआ। कहाँ से है? मैं यहाँ सिवान डिस्ट्रिक्ट से, महाराजगंज से हूँ और मैं जा रहा हूँ बेगूसराय एग्जाम देने। मेरी एग्जाम कल है। तो मतलब किया गया है, किस बात को लेकर यहाँ हंगामा हुआ था? देखिए, यहाँ से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी संख्या में भीड़ आ गई थी, जिन्हें विभिन्न ट्रेनों से निकाल दिया गया। उन्हें परीक्षा केंद्र पर स्वाभाविक रूप से जाने की जल्दबाजी थी, इसलिए उनकी जल्दी थी, जिसके कारण यहाँ पे उन लोगों ने कुछ शोरगुल किया। लेकिन अब दो दो अतिरिक्त गाड़ियाँ चली हैं और उस सारे परीक्षार्थी लगभग निकल गए हैं। कुछ एक बचे हुए शेष परीक्षार्थी हैं, वे सब निकल जाएंगे। क्या स्पेशल ट्रेन वगैरह की व्यवस्था की गई? हाँ, अभी एक ट्रेन आई है जो स्पेशल मुजफ्फरपुर और फिर बरौनी के लिए गई है, जिससे हमारी भीड़ काफ़ी कम हुई है।